With us, we have a former union minister, Natwar Singh Ji. He's a senior, he's a veteran Congress leader with us. And looking at the situation of the Congress party in various states, we'll talk to him now. Sir, इस समय जो पंजाब में परिस्थिति है कांग्रेस की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिसको कहते हैं ना हाई कमांड, वो हो गई है लो कमांड. उसमें लीडर कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, ये फैसले करते हैं. अब कल ही पत्र लिखा है गुलाम नबी साहब ने कि आप वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाइए. तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हैं? तो देखिए, गुलाम नबी साहब ने कल ख़त लिखा कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाइए. अब वर्किंग कमेटी की मीटिंग खुद को बुलानी चाहिए कि बड़ी क्राइसिस है इस वक्त पंजाब के अंदर और स्टेट्स के अंदर, तो वर्किंग कमेटी बुलाइएगा. क्यों नहीं बुलाई कांग्रेस प्रेसिडेंट ने? बुलानी चाहिए थी. पहले वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती थी, लोग सवाल जवाब पूछते थे, मगर बुलाई नहीं है. अब पता नहीं कि गुलाम नबी साहब के पत्र का जवाब देंगे या वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, अब ये तो मुझे पता नहीं. अब वो आनंद शर्मा भी बोले हैं, वो तिवारी साहब भी बोले हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठी हैं, मगर मैं नहीं समझता कि कोई बगावत होगी. सवाल ही पता नहीं होता. सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब आपको लगता है कि लीडरशिप में चेंज होना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने कहा कि तीन ही लोग डिसीजंस ले रहे हैं, राहुल प्रियंका मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, तो क्या अब ये जो बेटन है डिसीजन मेकिंग का, ये अब किसी और को पास ऑन हो जाना चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता. और कौन बताइए, किसी का नाम ले दीजिए, वो करेगा? कोई नहीं होगा. ये तीनों ही रहेंगे जब तक ये जिंदा हैं, जब तक लीडर यही रहेंगे हाई कमांड, इनको कोई हटा नहीं सकता. तो क्या आपको लगता है राहुल और प्रियंका अच्छे डिसीजंस बना रहे हैं, ले रहे हैं? नहीं, इसके बावजूद मैं नहीं समझता कि जो उन्होंने पंजाब में किया है वो करना नहीं चाहिए था. अमरिंदर सिंह जी को हटा दिया, सिद्धू साहब को ले आए पीसीसी प्रेसिडेंट बनाकर. अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाई मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे मिनिस्टर थे 7 महीने के लिए, कुछ काम वाम नहीं किया. अब ये क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, पर वहाँ अजहरुद्दीन से लड़के आ गए, वे हिंदुस्तान वापस आ गए. तो अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये स्टेबल नहीं है. अब साबित हो गया कि ये पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए. अब वो बन गए चन्नी साहब मुख्यमंत्री, तो चन्नी साहब से इन्होंने कहा कि इसको मिनिस्टर बनाओ, इसको होम मिनिस्टर बनाओ, फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ. उसने कहा भाई नहीं, मैं तो चीफ मिनिस्टर मैं हूँ. तो ये इस्तीफा दे के साहब जाके पटियाला बैठ गए. तो जिस तरीके से आपने कहा कि किसी और को बनने नहीं देंगे, तो ऐसा क्यों है कि किसी और को बनने को मौका नहीं मिलेगा? ये उसकी परंपरा है कांग्रेस की, पिछले 30 साल से जब से ये हैं. अब सोनिया जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं 21 साल से, महात्मा गांधी तो 1 साल रहे थे, सरदार पटेल 1 साल, जवाहरलाल नेहरू 4 साल, राजाजी 1 साल, राजाजी बने ही नहीं. तो अब 21 साल तो हो गए, तो उनको हटाएगा, इनकी जगह कौन आएगा? अगर ये हट गई तो फिर राहुल बन जाएंगे, राहुल हट गए तो प्रियंका बन जाएगी. लेकिन राहुल ने तो कहा है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, अभी वो थोड़े टाइम के लिए बने थे, फिर उसके बाद वो पीछे हट गए 2019 के बाद के इलेक्शंस के बाद. और फिर अब सोनिया जी इंटरिम वर्किंग प्रेसिडेंट हैं. कल कपिल सिब्बल जी ने भी ये कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन ये डिसीजंस ले रहा है, कोई क्यों, उनके हिसाब से कोई आला कमान जो है कि उसकी पुष्टि नहीं है कि कौन है वाकई जो एक फॉर्म डिसीजन ले सके. देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी जब इंटरिम प्रेसिडेंट बनी थी तो उनने कहा था मैं 6 महीने के लिए बनूंगी. अब हो रहे हैं करीब करीब 2 साल. अच्छा, राहुल गांधी साहब के पास कोई पद नहीं है, पर सारे जगह उन्हीं की आवाज़ है, वही फैसले दे रहे हैं. जहाँ किसी भी हिंदुस्तान, अब वो गए थे केरल किस लिए गए थे? वहाँ कांग्रेस को ठीक करने के लिए गए थे. प्रियंका गई थी उत्तर प्रदेश वहाँ ठीक करने के लिए. तो काम तो ये तीनों ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है?
सर, अगर हम इंटरनल जो डेमोक्रेसी की बात करें अगर एक पार्टी में, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि ये तीन लोग ही जितने भी डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, वो ले रहे हैं, तो अब किस तरीके से अब इस इंटरनल डेमोक्रेसी को वापस लाया जा सकता है, या ये नामुमकिन है? अब देखिए, जो कांग्रेस की डेमोक्रेसी थी जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में, वो वापस नहीं आएगी जब तक ये है। क्योंकि ये बताइए, अगर ये नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या? तो इनके अलावा क्या आपको कोई ऐसा चेहरा दिखता है जो आगे आके लीड कर सके, जिसे पूरी पार्टी सपोर्ट कर सके? तो इसको आने तो नहीं देंगे, आएगा कैसे? या तो सारी वर्किंग कमेटी मिल के गए कि हाँ हम इनको बदलना चाहते हैं, वो होगा नहीं। क्या सोल्यूशन लगता है इस चीज़ का, कि आप कह रहे हैं कि ये बनाने नहीं देंगे, वर्किंग कमेटी अगर प्रपोज भी करते हैं तो क्या कांग्रेस में तानाशाही चल रही है? अब देखिए, कांग्रेस का क्या हाल है, कहां से कहां पहुंच गई है कांग्रेस इस वक्त। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो इनकी 403 में 7 सीट आई थी, लोकसभा में 591 से इनकी 52 सीट है, उसके पहले थी 42। अभी अगले चुनाव होंगे तो मुझे नहीं लगता मैं कांग्रेस में रहूं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक पुख्ता ऑपोजिशन की ज़रूरत है, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, मगर वो कुछ तो हो नहीं रहा, क्योंकि ना पार्लियामेंट में ऑपोजिशन हो पा रही है, ना देश के अंदर ऑपोजिशन हो पा रही है। इतनी चीज़ें हो रही हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे ये लोग, नहीं कर रहा है कुछ। सर, मेरा आपसे बस आखिरी सवाल कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को, कि अब क्या स्टेप्स लें कि कांग्रेस जितनी बची है उतनी तो कम से कम रह जाए? मैं तो दो लफ्ज, गुड लक, धन्यवाद। सो दिस वॉज नटवर सिंह जी, हमारे साथ नटवर सिंह जी थे, इन्होंने कांग्रेस को कहा है गुड लक। अब इन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में बोला कि किस तरीके से एक डिक्टेटरशिप कायम है कांग्रेस में और किसी को भी आगे आने देने का चांस बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, और उसी की वजह है कि हम पंजाब हो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, कांग्रेस का ये हाल देख रहे हैं, इतना अनरेस्ट देख रहे हैं और इतनी पुअर गवर्नेंस देख रहे हैं। दिस इज़ मधुरिमा मिश्रा विद विजय संतोष फॉर रिपब्लिक TV.